तो भाई नेक्स्ट ईयर तो हम रेसलिंग फैंस के लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि भाई अभी WWE ने ये अनाउंस किया था ना कि फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में इनका एलिमिनेशन चैम्बर होगा। लेकिन दोस्तों अब हाल ही में एक और प्रीमियम लाइव इवेंट आपको बर्लिन जर्मनी में होते हुए दिखेगा, और भाई ये फर्स्ट एवर प्रीमियम लाइव इवेंट होने जा रहा है जर्मनी में 31 अगस्त 2024 में, और ये ऑफिशियल भी हो चुका है भाई। मतलब दोस्तों देख लो, बैक टू बैक WWE इंटरनेशनल इवेंट करवा रही है इस वक्त। और दोस्तों यही नहीं बल्कि फाइटफुल की तरफ से ये भी पता चला है ना कि फ्रांस में भी WWE बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट को भी लिस्टेड किया गया है। लेकिन दोस्तों अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये हम लोग के लिए काफी अच्छी बात है कि हम लोग को साल में मल्टीपल बड़े बड़े शोज WWE के देखने को मिलेंगे। और भाई अगर शो बड़े होंगे ना तो मैच भी काफी बड़े लेवल के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बस इंजॉय करिए, और नेक्स्ट ईयर काफी कुछ WWE ने हम फैंस के लिए स्टोर करके रखा हुआ है। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या रिएक्शन है हमको जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं रैंडी ऑर्टन और CM Punk के बारे में। तो दोस्तों बार बार इनके रिटर्न के बारे में रिपोर्ट्स आई हैं, और कई बार मैंने इसके बारे में बता भी दिया हूं आपको कि सर्वाइवर सीरीज में इनके चांसेस हैं आने के। लेकिन दोस्तों अब हाल ही में इसको लेकर एक और रिपोर्ट आई है दी रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, जिसमें बताया गया कि WWE CM Punk के रिटर्न को स्पॉइल नहीं करना चाह रही है, और ये जितना हो सकता है उसको उतना ही सीक्रेट रखने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद एक और रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया है कि WWE ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज के वीकेंड में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब भाई इतनी रिपोर्ट्स बार बार इनको लेकर आना ना, कोई भी कोई इंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो बस सर्वाइवर सीरीज तक वेट करिए, उसके बाद सारी चीजें पता ही चल जाएगी। और अब दोस्तों हम बात करते हैं जॉन सीना के रॉयल रंबल स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में जॉन सीना को भी लेकर एक रिपोर्ट आई है दी रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, जिसमें बताया गया कि जॉन सीना रॉयल रंबल में तभी दिखेंगे ना जब राइटर स्ट्राइक खत्म ना हुई हो। और अगर दोस्तों ये स्ट्राइक नियर फ्यूचर या रॉयल रंबल से पहले खत्म हो जाती है तो ये आपको रॉयल रंबल में तो नहीं दिखेंगे। लेकिन दोस्तों WWE का पूरा प्लान है कि इनको नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 40 में लाने की। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों अभी फिलहाल जॉन सीना आपको तो इस वीक स्मैकडाउन पर भी दिखने वाले हैं, और क्राउन जून में भी कम्पीट करने वाले हैं। और अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट्स की तरफ जो कि रोमन रेंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों रोमन रेंस के करंट और फ्यूचर प्लान्स के बारे में काफी कुछ बताया गया रिपोर्ट्स में, और ये है कि अभी LA Knight और रोमन रेंस का जो मैच होगा ना ये वन टाइम मैच होगा। लेकिन दोस्तों अगर फैंस एक्साइटेड रहेंगे इसके रीमैच के लिए तो WWE इसको दोबारा करवा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये वन टाइम मैच कंसिडर किया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों सोलो सिकोवा का भी नाम है जो कि रोमन रेंस के लिए नेक्स्ट इन लाइन है उनकी चैंपियनशिप के लिए, और ये चीज दोस्तों होगा ही होगा, इसके पूरे पूरे चांसेस है। और AJ स्टाइल और शेमस को भी कंसिडर किया जा रहा है रोमन रेंस के नेक्स्ट चैलेंजर के रूप में। मालूम है दोस्तों शेमस इस वक्त इंजर है और ये अभी WWE में है नहीं, लेकिन दोस्तों जब इनका रिटर्न होगा ना तो इसके पूरे चांसेस है WWE रोमन रेंस के साथ इनकी स्टोरी लाइन की शुरुआत करेगी। यानी दोस्तों WWE ने अभी से ही सारे प्लान रोमन रेंस के लिए बनाना शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि रोमन रेंस रॉयल नंबर और एलिमिनेशन चैम्बर का भी पार्ट होने वाले हैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन इसमें चेंजेस हो सकते हैं आगे चलकर। तो दोस्तों ये थे कुछ फ्यूचर प्लान जो कि WWE ने ऑलरेडी माइंड में रखा हुआ है रोमन रेंस के लिए। खैर दोस्तों आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें।